गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेडी वर्ल्ड एमआर। आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे क्यों बैठे हैं, कुछ दिखाना है क्या? कुछ दिखाना तो है पर अभी नहीं दिखाएंगे। अभी हम मेला से आए हैं और बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो इसलिए यहाँ बैठे हैं। अभी बनाना है मायरा के लिए नाश्ता जो कि मायरा अभी करेगी, तो चलो किचन में जाते हैं और किचन में खड़े खड़े बात करते हैं। तो ये रहा मेरा किचन, इसमें क्या है? अच्छा, इसमें पीने वाला पानी भर के रखा हुआ है। जब से ना हम लोगों का किचन में जूठा बर्तन रहना बंद हुआ, तब से किचन ना बहुत हद तक साफ सुथरा लगता है। तो अभी हम बनाएंगे मायरा के लिए हलवा, क्योंकि मायरा ना इस टाइम में केला दूध या दूध बिस्किट ऐसे ही खाते हैं। हलवा भी खिलाते हैं लेकिन बहुत कम, जब हमको टाइम मिलता है तब उसके लिए हम हलवा बनाते हैं। और आज हलवा बनाने का रीजन ये है, हम आज भी सोचते दूध बिस्किट खिलाएंगे। आज हलवा बनाने का रीजन ये है कि सुबह मायरा को खाना खिलाए थे, इतनी सोते तो खाई थी फिर उल्टी कर दी, मतलब जितना खाई थी उतना उल्टी कर दी। लेकिन उसके बाद भी हम नहीं खिलाए उसको, हमको लगा तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है उसका, अभी कुछ खा पी नहीं चाह रहा। आप लोगों को पता है बहुत दिन से 2 महीना हो गई, तो उसलिए उसको हम जबरदस्ती नहीं किए, हम उल्टी कर दी, थोड़ा पानी पिला के सुला दिए थे। हम बोले चलो शाम में थोड़ा सा हेवी नाश्ता करवा देंगे, तो हेवी नाश्ता कुछ खाना पीना कर ही नहीं रहा था, हेवी क्या खिलाए बताओ। तो सोच रहा हलवा ही बना देते थोड़ा सा, थोड़ा बहुत उसका मुंह में टेस्ट आएगा, थोड़ा सा भी खाएगी, 2-3 चम्मच भी खाएगी भगवान भगवान करके, तो बहुत। तो वही कोशिश करेंगे, खाना खिलाने में मेरा जाता है 10 घंटा, मतलब कम से कम 3 घंटा तो खाना खिलाने में उसको जाता ही। हर दूध भी पिलाने में ना मतलब 3 घंटा होता है, दूध नॉर्मल दूध उसको इतना देते हैं, उसके लिए उसका ना छोटा ग्लास है, इतना छोटा नॉर्मल दूध पीने में भी उसका 3 घंटा लगता है, उतना छोटा ग्लास नहीं पीला, मतलब पता नहीं। अभी सबको बोल रहे, सब बोल रहे घूमर आता है ऐसे एज में, जितना बढ़ेगी ना थोड़ा परेशान करेगी, इस एज में वो करेगी थोड़ा सा, तो देखते हैं। चलो मारे के लिए झटपट करके हलवा बना लेते हैं और उसके बाद ना हम मेला से क्या क्या शॉपिंग किए हैं, मेला वाला ब्लॉग आपको राहुल डॉट मापी में मिल जाएगा, मेला गए थे तो हम वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग किए हैं वो हम दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तब तक मारे वो खिला लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि क्या क्या शॉपिंग किया, ठीक है? तो हलवा बन गया लेकिन मायरा को अभी तक नहीं खिलाया क्योंकि हलवा बहुत गर्म है, उसको ठंडा होने लग के आया है, सोचे तब तक दिखा देते जब तक ठंडा होगा। और बाबू अभी बहुत ही बिजी है, वो अभी इम्पोर्टेंट कुछ काम कर रहे हैं और हाँ हम लोगों को निकाल दिए रूम से, तो हम सोचे बाहर बैठे बैठे क्या करेंगे, हमें चलो दिखा देते तब तक कि क्या क्या लिए। सबसे पहले हम मेला गए थे तो हमको दिखा अचार, जो कि टेस्टी अचार लाए हैं। ये है लहसुन का अचार। हमको ना मेरा फेवरेट अचार 3 है, एक हमको वो कटहल का अचार मेरा फेवरेट है, लहसुन का अचार मेरा फेवरेट है और आम का, और एक अचार फेवरेट है, हमको 4 अचार फेवरेट है। ये तीन और एक जो पटल और कटल और उसको क्या बोलते हैं पटल का सब्जी होता है ना, जो पटल, वो पटल का अचार इतना टेस्टी लगता है। और हम खाए कहाँ से पता है, मेरी जो छोटी वाली चाची है ना वो हमको खिलाई थी, इतना मतलब हम फैन हो गए थे उनका, तो हमको कटहल का अचार और पटल का अचार ये दोनों अचार इतना टेस्टी लगता है। मेरी मम्मी बहुत तगड़ा बनाती है। कब से आर्यन को बोले पता है, आपको विश्वास नहीं होगा, कब से बोले कि आर्यन ले आना, मतलब 2 साल हो गए आर्यन को बोले कि मम्मी को बोलना, 2 साल चुप कर झूठ मत बोलो, झूठ बोलो। हम अगला साल ही ये साल लड़ो, अगला साल मिला के 2 साल हो गया आर्यन, हम तुमको बोले थे हम कटहल खरीद कर दे देंगे, बस मम्मी को बोला बनाना, हमको बनाना नहीं आता कटहल मेरा घर में, तो बोला कि नहीं भाभी हम मम्मी को बोलेंगे देने नहीं होगा, वहाँ पे है हम लेके आएंगे। अभी तक आर्यन लेते आए हैं कटहल का अचार, तरस गए हम कटहल का अचार खाने के लिए। अगर आप लोग कोई भी आप लोग आता है ना कटहल का अचार बनाना, तो आप लोग प्लीज बना के मेरे लिए भिजवा दो, हमको बहुत पसंद है कटहल का अचार। तो मेरा पानी भी आ गया, तो चलो ये रहा आम, ये सब आम का है, ये आम का है, लहसुन हम बोल दिए थे लेकिन वो आम का है, और ये रहा लहसुन का, हाँ ये लहसुन का अचार है, तो वो आम का अचार है, ये लहसुन का अचार है, और ये है ये मिर्चा का अचार, ये पापा को बाबू को अच्छा लगता है तो ये ले लिए, हमको तो आम और लहसुन ही चलेगा, मिर्चा ठीक ठाक खास नहीं मतलब खराब भी नहीं लगता। ये 3 अचार लिए, उसके बाद लिए हैं हम
ये वाला मतलब इसमें ना चावल वगैरह धोने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, हम कुछ इस टाइप का ढूंढते हैं, तो हम एक खरीदे भी थे इस टाइप का, तो उसमें ना बड़ा बड़ा छेद था, तो उसमें एक बार चावल धोने गए थे ना, तो चावल सारा गिर रहा था, मतलब उसमें जो होल था ना थोड़ा बड़ा था, तो उसमें से पूरा चावल गिर रहा था, तो हम सोचे कि हम क्या सोच के लिए थे यार, उससे तो वो भी काम नहीं हो पाएगा, तो फिर से हमको फिर उस टाइम सोचे थे कि छोटा छोटा छेदा वाला लेना चाहिए था, तो ये वाला हमको मिल गया मेला में, तो हम सोचे वाओ ले लेते हैं, ले लिए हैं। ये हमको कुछ पड़ा ना 150 बोल रहा था, तो हम उनको थोड़ा सा बहस करते करते भैया नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं कि 120, तो भैया लास्ट में मान गए, ज्यादा भी नहीं बोले, मतलब हम दो बार बोले कि भैया देखिए 120 दीजिए, तो दीजिए नहीं तो नहीं, तो बोले ठीक है ले लीजिए 120 में। तो हमने सोचा इतना इजीली मान गए, तब तो हमको और कम बोलना था, मतलब क्योंकि वो इतना इजीली मान गए, दो बार बस बोले, तो बोले कि ठीक है ले जाइए, तो 120 में ही हमको दे दिया, तो बहुत अच्छा है, हमको तो अच्छा लगा। उसके बाद हम लिए है, दिखा है पागल जैसा लगेगा, ये लिए हम क्योंकि पागल जैसा सोच ही सकते हो कि ये कौन लेता है मेला जाके, ये हम इसलिए लिए ना कि इसका जो ऊपर वाला जो शीशा का था है ना, वो हमको इतना अट्रैक्ट किया, और ये हमको बहुत लगता है, बाबू मुर्गा मीट जब भी खाते हैं ना, तो उनको ये जरूरत होता है, हमको हमेशा बोलता है कि मम्मी तुम क्यों नहीं लाके रखती हो, क्योंकि ये सब चीज़ बाबू कभी भी लाने नहीं जाते, कभी भी नहीं लाने जाते, तो हमको बोलते क्यों नहीं लेके रखते हो, हम ही ये सब चीज़ ना हम ही लेके रखते हैं उनके लिए, तो ख़त्म हो गया था, तो बोलते मम्मी क्यों नहीं लाते हो क्यों नहीं लाते हो, तो फाइनली मेला में दिख गया, और इतना क्यूट सा पैकेजिंग था, हम बोले तो हमको यही चाहिए, तो हम ले लिए, तो ये भी हमको 30 का पड़ा। उसके बाद मेरे लिए खुद के लिए कुछ कुछ चीज़ दिए, और मायरा के लिए हम क्ली वगैरह देख रहे थे, लेकिन हमको एक भी पसंद नहीं आया, जितना भी वहाँ पे था ना सारा का सारा कलेक्शन मायरा के पास है ऑलरेडी, तो हम सोचे कि सेम चीज़ क्यों लेके जाए, कोई मायने नहीं, मतलब कुछ सेम चीज़ क्यों लेके आए, फिर और एक महीना उसका बाल है, हम सोच चाहते हैं जितना संवर सकते हैं संवर ले, क्योंकि छठ पूजा के बाद उस टगला मुंडा हो जाएगी वो, तो कोई फायदा नहीं उतना रबर बैंड इकट्ठा करके, लेकिन फिर भी उसका हेयर एक्सेसरीज बहुत बहुत है, वो सब हम रखे हैं, कहीं पे भी जाता है ना तो पहले मेरा वही नजर में, क्योंकि उसका बाल ही है सजाने के लिए, तो मायरा के लिए बस हेयर एक्सेसरीज हम अभी लेते हैं, तो जो कि जो भी दे जाता सब कुछ मायरा के पास है ऑलरेडी, तो हम बोले कि लेके कोई फायदा नहीं, तो नहीं लिए, तो हम यहाँ पे मेरे लिए लिए है, ये लिए हैं हम इयर रिंग, हमको यह 30 रुपीज का पड़ा, बहुत प्यारा काम है, और इतना प्यारा एक इयर रिंग 30 रुपीज का पड़ा, तो हम बोलते हैं कि ले ही लेते हैं, अच्छा लग रहा है ना, मतलब इतना लाइट कलर है ना ये, मतलब कोई भी लाइट कलर का मतलब सूट पहन लो उसके साथ ये वेयर कर सकते हो, अगर आपको हेवी लुक नहीं चाहिए नॉर्मल सा लुक चाहिए तब ये बहुत बेटर है। उसके बाद यहाँ पे रखते हैं इसको, उसके बाद ना हम ये लिए क्योंकि मेरा कान हमेशा खाली आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जब भी पहनेंगे तो बड़ा बड़ा कान का, तो व्लॉगिंग में कभी अगर नॉर्मल मेकअप जैसे कि अभी देखो नॉर्मल मेकअप किया हम लाइट लिपस्टिक लगाए, क्योंकि आज हम स्किन केयर किए तो मेकअप थोड़ा सा अवॉइड किए, हमको मेकअप नहीं करना था, तो लिपस्टिक और काजल लगाए मॉइस्चराइजर के ऊपर, तो हम जैसे कि ये पूरा नॉर्मल लुक है मेरा, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, आईब्रो वगैरह कुछ नहीं, फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं, तो ये वैसे ऐसे नॉर्मल लुक के लिए तो एक छोटा सा कान का बहुत मैटर करता है, तो हम ये वाला ले ली, हमको इससे थोड़ा सा हल्का बड़ा चाहिए था, कि ये जो नीचे गोल लटक रहा है ना वहाँ पे हमको झुमकी चाहिए था, पूरा मेला ढूंढने हमको ऐसा नहीं मिला, तो हम यही ले लिया, हम बोले हमेशा पहनने के लिए बेस्ट है, तो डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आपको नहीं पता दिख रहा है, डिज़ाइन अच्छे से जूम करके दिखा दो, दिखा, तो ऐसा एक कान का लिए है, खोल के नहीं दिखा रहे। उसके बाद मंगलसूत्र जो कि ये भी 30 का लिया, ये भी 30 का लिया, और ये मंगलसूत्र भी 30 का ही लिया, हम ना कहीं पे भी जाए ना तो मंगलसूत्र एक ना एक लेते हैं, इमिटेशन का जो मंगलसूत्र होता है ना वो पहनना हमको बहुत पसंद है, क्योंकि गोल्ड का मेरे पास 2 है, ठीक है, और मायरा अभी ना बहुत ज्यादा ऐसे टान लेती है, और वो गुस्सा आ जाता है ऐसे कि टानती ना उसको डांट पड़ता है, तो हम सोचे कि क्या बच्चा हो कितना डांटे, उसका आदत भी समझती भी नहीं है, तो हम जहाँ पे जाते हैं ना ऐसे एक्सेसरीज ले लेते हैं कि ये ऐसे पहनेंगे तो मायरा अगर तोड़ेगी भी तो चलो
तोड़ दी क्या 30 रुपये का लिए, उससे ज्यादा बड़ा मेरा बेटी है तो डांट भी नहीं खाएगी बेचारी, तो इसलिए जब जहाँ जाते हैं हम लेते हैं। मुंबई से भी 3 लिए थे, 3 में से भी 2 बचा है क्योंकि एक मायरा ऑलरेडी उसको टान के फाड़ दी। उसके बाद मेला में हमको और दिख रहा था लेकिन हमको पसंद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। हमको थोड़ा सा मंगलसूत्र सिंपल में अच्छा लगता है और ये थोड़ा सा सिंपल में हमको दिख गया। देखो इसका काम कितना प्यारा है, एकदम स्मॉल स्मॉल स्टोन से काम किया हुआ है, हमको बहुत अच्छा लगा। तो एक ये ले लिए और एक चीज लिए जो कि लिए क्यूब, फेंको क्यूब, ये क्यूब, ये हम सॉल्व भी करने आता है हमको, तो हमको पूरा सॉल्व करने आता है। ओम अभी बिक 2 बार ऐसे खराब करके इसको सॉल्व भी कर किया अभी, तो ये क्यूब हम उनके लिए लिए, ले लो उनको ये बहुत दिन से चाहिए था। तो यही सब लिए मेरा था और कुछ लिए नहीं लिए क्योंकि हमको पसंद नहीं आता सब पुराना पुराना ही चीज़ था, मतलब जो कि जो हमको लगेगा जैसे कि ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था, अचार बहुत ज़रूरी था, मतलब डेली पापा बोलते थे अचार होता तो अच्छा होता, तो अचार ले लिए इसलिए जरूरी। और ये मंगलसूत्र तो हमको अच्छा लगा था इसलिए लिए, और ये काम का भी ज़रूरी था, हम हमेशा हर वेयर में पहन पाएंगे। और ये भी हमको सिंपल अच्छा लगा, सिंपल एंड स्वीट, तो ये दोनों हम मर्जी से लिए, बाकी जो भी लिए ना सारा काम का सामान है, ठीक है। तो चलो बिट्टू भी गया था, बिट्टू को भी बोल रहे थे क्या लोगे लो, बिट्टू बोले कि हम जो लेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिट्टू नहीं लिया। आज के लिए इतना ही, और क्या ब्लॉग में क्या बताए तो पता नहीं हमको, क्योंकि अभी मायरा को खिलाने जाना है। आप लोगों को कौन सा सामान अच्छा लगा बताना, और मेरे लिए कौन कौन कटहल का अचार बना के भेज रहे हो ये भी बताना, ठीक है। वैसे मेरे साथ बहुत दूर दूर से सब मिलने आता है, तो चलो आज हम आप लोगों के पास दीवान करते हैं हमको कटहल का अचार खिलाना क्योंकि हमको बहुत बड़ा फेवरेट बता सकते हो। तो चलो सब गुजारते हैं, ये हम कल ही यूज करेंगे इसको। पापा देखिए ये भी लिया, हम उनका करेंगे, इसमें चावल धोएंगे। अच्छा पापा के लिए अचार लाए हम। तो चलो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, तो कौन कौन खिला रहा हमको कटहल का अचार कमेंट करके बताना, कम से कम खिलाओ ना खिलाओ कमेंट पढ़ लेंगे, खुश हो जाएंगे। चलो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे कल एक अच्छा व्लॉग के साथ।